में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं दोस्तों कैल अड्डे पे, जहां आज छज्जू नगला गांव के लोगों ने एक शिविर लगाई है। संत रामन जी महाराज की जो शहीदी 2009 में हुई थी, उनकी याद में आज ये छज्जू नगला गांव वासियों ने आपसी सहयोग से शिविर लगाई है। और इनका कहना है पिछले लगभग 10 वर्षों से इसी तरह से शिविर लगा रहे हैं। तो इनके इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही सिरोहरा विधायिका रेणुबाला। तो चलिए उनसे भी हमने बातचीत की है, तो क्या कुछ कहना है तमाम बातचीत इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। पहले आप बताओ, पापा ने देखा, भैया ने देखा, मैं कब इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूंगा? मम्मी कब देखूंगा? देखूंगा नहीं, देखूंगा ना, जाए नहीं यहाँ मेरे तो चलिए दोस्तों बातचीत करते हैं सिरोहरा विधायिका रेणुबाला से, क्या कुछ कहना है आज इस शिविर के अवसर पर उनका। देखिए, जैसा कि ग्राम पंचायत छज्जू नगला के द्वारा यहाँ कैल हाईवे पर लगाया हुआ छबील, और जो हमारे गुरु संत महाराज रहे रामानंद जी, उनकी शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर छबील लगाई गई है। और पिछले 10 सालों से यहाँ पर छबील लगाई जाती है, और गुरु जी की जो शहीदी दिवस है वो छबील लगाकर उसमें मनाया जाता है। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि गर्मी का भी मौसम बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आजकल तापमान 46-47 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, और ये एक पुण्य का काम भी है, अगर मैं मानती हूँ तो एक पुण्य का काम भी किया जा रहा है, और लोगों को मीठा पानी पिलाकर लोगों की प्यास भी बुझाई जा रही है। और यहाँ पे हमारे छज्जू नगला से भाई सरपंच और यहाँ से हमारे साथी छज्जू नगला से ही है मेरचंद जी और शेर सिंह जी, सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, और उनके द्वारा मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया था, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ छबील में मैं पहुँची। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी बेतहाशा बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, और इस गर्मी की मार से चाहे वो इंसान हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पंछी हो, सब बेहाल है। और कई जगह हम देखने को भी मिलता है कि गर्मी की वजह से हमारे जो पशु पक्षी हैं वो भी बेतहाश होकर, बेहोश होकर और अपनी जान भी गंवा रहे हैं। ऐसी ही बात अगर इंसानों की करें, इंसान भी इस ताबड़तोड़ गर्मी की वजह से परेशान है, हताश है, परेशान है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी जनता से अपील करूंगी कि इस गर्मी के मौसम से बचने के लिए, जैसे आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं, तो वो पेड़ ना कटाई करें, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, ताकि गर्मी की मार भी कम हो और जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन फ्री एरिया यहाँ पे बने। तो मैम, 7 चरणों में देश में लोकसभा चुनाव अब संपन्न हो चुके हैं, लास्ट चरण 1 जून को हुआ, और अब एक जैसे ही लास्ट चरण का चुनाव समाप्त हुआ, वैसे ही टीवी चैनल्स ने आंकड़े दिखाने शुरू कर दिए, एग्जिट पोल दिखाने शुरू कर दिए, और एक से एक बढ़कर चैनल अपने आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है। कोई एनडीए को 400 पार, कोई 370 पार, कोई 350 पार, और वहीं इंडिया गठबंधन को 100 से भी नीचे दिखा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना? देखिए, ये तो कहते हैं कि गोदी मीडिया है, क्योंकि सभी चैनल खरीदे हुए हैं और सब जितना इनको बोला जाता है उसी हिसाब से ये एग्जिट पोल भी दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया गठबंधन की जो हमारी सरकार बनेगी, और हरियाणा की अगर बात करूं, हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा में अपना इंडिया गठबंधन के सीटें मजबूती के साथ यहां पर दावेदारी दिखा रही हैं और जीत कर आएंगी। और रही बात, सभी लोग कह भी रहे हैं कि टीवी न्यूज़ में, चैनल न्यूज़ में दिखा रहे हैं,
तो वो जैसा मैंने आपको बताया कि ये मीडिया तो इनका पहले भी खरीदा बिल्कुल हुआ था, जैसा ये कहेंगे वैसा ही मीडिया वाले बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी 2-3 दिन, 2 दिन बाद आप देखोगे रिजल्ट, उसमें नजर आपको आएंगे। और इंडिया गठबंधन की मैं फिर से कहूंगी कि सरकार बनेगी और हरियाणा में भी हमारी कांग्रेस पार्टी की 10 की 10 सीटें मजबूती के साथ आएंगी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आज की जो छबील है लगाई गई है, यह है छबील संत रामानंद जी जी महाराज जी के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में लगाई गई है, और यह छबील समस्त ग्राम पंचायत चुनाव के सहयोग से लगाई गई है। हाँ जी रमेश चंद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज छबील के अवसर पर आप? जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। आज का शहीदी दिवस संत रामानंद जी की याद में, जो धर्म का प्रचार करते हुए बयाना में शहीद हुए थे, उनकी याद में हर साल 25 मई को ये हम कार्यक्रम करते हैं। जो कार्यक्रम पिछले 10 साल से चल रहा है, उनकी याद में उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं हम, और करते रहेंगे हर साल। जो 2009 में हमारे देश के, हमारे समाज के महान संत, एक समाज को दिशा दिखाने वाले संत रामानंद जी बियाना में जो जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, उनकी शहादत के ऊपर इस उपलक्ष्य में गांव छज्जू नगला की तरफ से छबील लगाई गई है। उसमें हम सब ने जाकर अपने अपने यहाँ भी जोड़ता है।